अरिथमेटिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज का क्वेश्चन। नीता मार्क्स अप हर गुड्स बाय 30%। इसका मतलब जितने गुड्स नीता के पास हैं उसको वो 30% बढ़ा कर मार्क करती है और फिर 10% का डिस्काउंट जो है वो दे देती है। इसके अलावा वो फॉल्टी बैलेंस भी यूज करती है जो कि 1000 ग्राम को 800 ग्राम पड़ता है। जानबूझकर वो गलत बैलेंस यूज करती है। आपको पता क्या करना है, हर नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे करेंगे, अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस ऑफ हर गुड्स इज 1000 रुपीज। ये हमने माना कि उसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 रुपया। क्यों? क्योंकि वो फॉल्टी बैलेंस है, इसलिए उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 800 रुपया हो गया। अब मार्क्ड प्राइस ऑफ हर गुड्स इज 1000 प्लस 30% ऑफ 1000। यहाँ आपको बताया कि वो 30% अपने गुड्स को बढ़ा देती है, तो वो 1000 का 30% आपने लेना है, 1300 रुपया उसका मार्क्ड प्राइस हो गया। अब वो क्या करती है, डिस्काउंट देती है 10%। डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस ऑफ अवर गुड्स विल बी 1300 जो कि मार्क प्राइस है, माइनस 10% ऑफ 1300। मार्क प्राइस पर ही निकाला जाता है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस आ गया 1170 रुपया। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 1170 माइनस 800। यहां पर आपने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेना है, तो 1170 माइनस 800 बना 370। पता क्या करना था, नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो कि होगा एक्चुअल प्रॉफिट 370 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो कि है 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आएगा 46.25%।